नमस्ते, कैसन बा, सुनेंगे आपकी वाणी मेरी की जुबानी। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे टिप्स बताए थे जो आपको आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी में मदद करती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकती हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी में बाधा बन सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। पैकेज फूड ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए भी हानिकारक होता है। अभी आपका शरीर रिकवरी मोड में है, इसलिए इसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और घर के खाने से ज्यादा एनर्जी बूस्टर क्या हो सकता है। घर का स्वादिष्ट सुपाच्य और फ्रेश खाना एक हीलिंग एजेंट की तरह काम करता है। पैकेज्ड फूड में नमक और चीनी की भी मात्रा बहुत होती है और इसमें कैलोरीज भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, जिससे ओबेसिटी और इन्फ्लेमेशन की समस्या हो सकती है। डिलीवरी के बाद ऐसे भी हमारी शरीर फूली फूली लगती है और ज़्यादा चीनी और नमक के सेवन से ये समस्या और बढ़ सकती है। पैकेज्ड फूड में पोषक तत्व नहीं के बराबर होती है। अभी हमें अपने लिए और अपने बच्चे के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाने की ज़रूरत होती है, जो हमें भी एनर्जी दे और हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में भी मददगार हो। पैकेज्ड फूड में हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। डिलीवरी के बाद बहुत सी माओं को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या होती है। और अभी हमारे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है, तो ज़रा सोचिए ये प्रिजर्वेटिव्स हमारे बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह है। पैकेज्ड फूड का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज में होता है और इसमें हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें ट्रांस फैट होती है जो ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज का मुख्य कारण है। ना हो सके पैकेज्ड फूड को अवॉइड करें। सादा जीवन, उच्च विचार, घर का खाना हमेशा साथ निभाता है। डिलीवरी के बाद हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर मील लेना चाहिए, लेकिन बहुत सी माएँ जल्दी जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में डाइटिंग या फास्टिंग करती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका वेट जल्दी से कम होगा। वो या तो कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगी या लंच स्किप कर देंगी, लेकिन इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं और सिचुएशन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। कम और अच्छा खाने के बजाय हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इससे आपने अभी तक जो मेहनत की थी सब पर पानी फिर जाएगा और गिल्च और मोटापे के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। आजकल बहुत सारी फैशनेबल डाइटिंग टर्म्स सुनने को मिल जाती हैं, फैट डाइट, दी एटकिंस डाइट, वाटर डाइट, लो कार्ब डाइट, दी पैलियो डाइट, दी वीगन डाइट और भी न जाने कितने। सोचिए जब इनके नाम इतने टेढ़े मेढ़े हैं तो इनका इम्पैक्ट कितना पावरफुल होगा। इसलिए प्लीज़ अपने और अपने बच्चे के लिए ऐसे विचित्र और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइटिंग के बारे में आप सोचिए भी मत। अभी आपको फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ एनर्जी खाने की ज़रूरत होती है, जिससे आप अच्छे से और जल्दी रिकवरी कर पाएँ और आपके बच्चे को भी जरूरी पोषक तत्व मिले, जिससे उनकी भी डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसलिए आप अपने आप को सजा देना बंद करें और इन सब डाइटिंग्स के बारे में सोचिए भी मत। जब आप अपने बच्चे को ऊपरी भोजन देना शुरू करती हैं तो उनके बच्चे हुए भोजन को तो आप खाती ही होंगी, खाती है ना। अब यहाँ जरा रुकिए और अब हम थोड़ा मैथ कर लेते हैं। पूरे दिन में 5 से 6 बार आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती हैं और बच्चा हमेशा पूरा नहीं खाता, 2-3 चम्मच उनके खाने का बच ही जाता है और वो आप आराम से खा जाती हैं। और ये प्रक्रिया बार बार होती है, आप इसे रोज दोहराती हैं। तो जरा सोचिए आपने कितनी ओवर ईटिंग कर ली। ऐसे तो आपने वजन कम कर लिया और कुछ बाकी है। आप ये सोचती हैं कि 2 चम्मच ही तो बच्चा है, मैं खा लेती हूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। आपका सोचना भी जायज़ है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके वो 2 चम्मच खा लेने से पूरी दुनिया का खाना वेस्ट होने से बच जाए तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन अपने दिल से पूछिए क्या ये संभव है। बल्कि वो 2 चम्मच आपके वेट लॉस जर्नी में बाधा बन सकती है। इसलिए अपने आप को डंपिंग जोन बनाना बंद कीजिए। थोड़े थोड़े अंतराल में खाइए, अच्छा खाइए पर दमदार खाइए।
डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। सारी नई माएं 6 महीने के 3 महीने तक भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनका वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि ब्रेस्ट फीडिंग आपके वेट लॉस में आपकी मददगार हो सकती है, तो क्यों लगाना छटका? जी हाँ, 1993 में एक सर्वे हुई थी, उसके अनुसार जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उनका वजन, जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उनसे जल्दी कम हुआ है। नहीं, ये कमाल की बात। और ब्रेस्ट फीडिंग करने से आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, जो हम माओं की सबसे बड़ी कंसर्न होती है। हम जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हम अपने खाने का विशेष ध्यान रखते हैं। हम अपने खाने में हाई प्रोटीन लो कार्ब को शामिल करते हैं, जिससे हमें वेट लूज करने में भी मदद मिलती है। और 100% की एक बात, ये हमें गिफ्ट मिली है मदर नेचर से, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना हमारा कर्तव्य है और बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपने बच्चे से ये अधिकार मत छीनिए और निसंकोच होकर ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। ये आपके वेट लूज में आपकी मदद करती है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी माएँ अनवांटेड थिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं अपने वेट को लेकर। इस समय अपनी उम्मीद और धैर्य दोनों को मत छोड़िए। इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित ना हो, अपनी कंपैरिजन किसी और से ना करें, क्योंकि मेरा अपना कैरेक्टर तेरी अपनी अदा। सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद किसी ने जल्दी वेट लूज कर लिया हो और आपको थोड़ा टाइम लगे। ये सोचकर आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जो काम हम तन और मन लगाकर करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसलिए टेंशन फ्री होकर अपनी कोशिशों को जारी रखें। ये थी मेरी 5 बेमिसाल टिप्स। अगर आपको जेन्युइनली पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज करना है, तो संपूर्ण भाव से ये टिप्स और पिछली वीडियो में मैंने जो टिप्स बताई थी उनको फॉलो कीजिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जब कभी भी आप लो फील करें या सब मुश्किल लगे, तो अपने बच्चे को जरूर देख लीजिए। आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगी और हो सके तो ये गाना गुनगुना लीजिए, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मदरहुड को अच्छे से इंजॉय कीजिए और उम्मीद को कभी मत छोड़िए। बाय बाय।